शैतान ने अल्लाह से क्या कहा है, जब उससे गलती हुई तो उसने अल्लाह से माफ़ी भी नहीं मांगा। पता है ना आपको पूरा वाक़या, उससे गलती हुई, क्या गलती हुई, अल्लाह ने कहा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब फरिश्तों से कहा कि देखो अभी मैं आदम को बनाने वाला हूँ, जब इनको बना दूँ तो तुम सब के सब लोग सजदे में गिर जाना, सब के सब लोग सजदे में गिर जाना। तो फरिश्तों ने तो उस हुक्म की फरमाबरदारी की, लेकिन शैतान ने नहीं किया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया, वो इनकार करने वालों में से ही था। उसने जुबान से भी लिखा नहीं करूंगा, किया ही नहीं। जैसे आज कोई शख्स दुकान पे आपके आए, आप बोले चलो नमाज को, कुछ ना बोले, चुपचाप खड़ा रहे, आए ही ना, तो अपने अमल से इनकार कर रहा है शैतान की तरह। शैतान ने अपने जुबान से कलिमा नहीं कहा था कि मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं करूंगा, उसने किया ही नहीं था, उसने वो काम किया ही नहीं था। एक बंदे को किसी बात का हुक्म दिया जाए, अल्लाह का हुक्म दिया जाए, वो ना करे, वो समझ ले अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान बंदा है। उसने नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे कहा तूने क्यों नहीं किया है, कहा मैं बड़ा हूं ना, मैं बहुत बड़ा हूं, क्यों बड़ा है, मुझे तूने आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से बनाया है, मैं बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा तू हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला जा। तब उसने अल्लाह से कहा अल्लाह एक मोहलत चाहिए, तौबा की नहीं, इंसानों को गुमराह करने की मोहलत चाहिए। अल्लाह अकबर, वो दुनिया में आया ही इसलिए ताकि हमें गुमराह करे। जिस तरह उसने हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह किया। وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ।